हाय फ्रेंड्स, तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा चेंज करें, मतलब उसकी जगह दूसरा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ऐप आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जाना है फ़ोटो बैकग्राउंड चेंजर पे, ये उसको ओपन करना है। देखिए ये कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आता है, ये ओपन हो रहा है। ये जैसे ही ओपन होता है तो आपको गैलरी पे जाना है। जी बिल्कुल, गैलरी में से एक फ़ोटो चूज़ करना है आपको, जिससे आपने इससे पहले इरेज किया था उसे। जैसे कि आप देखिए, मैं इस नीचे आके मेरे इरेज के फोल्डर में जाके देखिए, मैं ये फ्रंट एक ले लेता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये मैं ले लिया हूँ। इसको आप सब हमारा सही है, सेटिंग वेटिंग जूम इरेज, तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने इसे इरेज कर रखा है तो हम इसे डन कर देंगे ऊपर। देखिए ये ऐसा आ चुका है, तो इसे बराबर थोड़ी साइज़ छोटी करके ज़रा ऐसे रख देना है। इसके बाद आपको देखिए ये बीजी पे जाना है, मतलब बैकग्राउंड। इस पर आपको जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो भी चाहिए आपको, ये ऐसा देखिए ऐसा। अगर आपको गैलरी का चाहिए आपके यहाँ या आपके फ़ोन में सेव है, तो आप ये साइट के ऑप्शन पे गैलरी में जाके उसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे एक देख लेते हैं। देखिए जैसे कि कौन सा चाहिए, ताजमहल का हम ले लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसे। देखिए जैसा कि हम ताजमहल के सामने बैठे, तो ठीक है ऐसे ऐसा करके इसे सेव कर लेते हैं। जैसा कि आप सेव करने से पहले देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है, आप यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिख देता हूँ, हमारे चैनल का नाम एम टेक प्रोडक्शन डन। यस, अब इसे लगाना कहाँ है, जैसे ऊपर लगाना है, कहाँ लगाना है। देखिए हम इसे नीचे ऊपर ही रहने देते इसे। जी जी ठीक है। देखिए ये ऊपर, और इसके बाद टेक्स्ट सेटिंग में जाके कुछ ऐसा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है आपको, कंट्रास्ट में इससे भी कम ज़्यादा, जो भी आप आपके हिसाब से कर लेना। ये मिरर में आपको यहाँ से, और मिरर देखिए ये मिरर, देखिए मिरर है। और ये स्टिकर भी है इसके साथ, आपको जो भी स्टिकर लगाना है साथ में वो स्टिकर भी लगा सकते हैं। जैसे वाओ, ये देखिए मैंने वाओ का लगाया हुआ इधर। जी ठीक है, आप इसी तरह से आप इसे बना सकते हैं, आपके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। जी देखिए ये सेव हो चुका है, हम इसे शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते, पर हमें सेव शेयर नहीं करना है, हमें सीधा से बाहर आ जाना है। अब हमें देखना है कि ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए देखिए इसके बाद आपको आपके प्ले स्टोर में जाना है। ये देखिए मैंने हमारा प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर में जाके यहाँ लिखना है फोटो बैकग्राउंड चेंजर। देखिए आप यहाँ देख देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है फोटो बैकग्राउंड चेंजर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ से जाना है, ये फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है फोटो बैकग्राउंड चेंजर, उसको डाउनलोड करना है। देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आप इसका लोगो देख लीजिए ये ऐसा, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे ओपन बता रहा है। जी देखिए ये ओपन हो, इसे ओपन करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसी तरह इसे डाउनलोड करके इसे बना सकते हैं फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इरेज करना नहीं आता है तो हमारे ऊपर के आई बटन में इरेज का और इरेज की वीडियो भी आ जाएंगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो यहाँ पे हिंदी में आती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर देते हैं।